ओम शांति। 21/5/2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, रिवाइज हैं 14/12/94। हेडिंग है मुरली की, तीन बातें बाबा ने बताई, समय संकल्प बोल। समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार तीन बिंदु लगाना, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा, पास्ट टू पास्ट बिंदु लगा दो। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं, ये सारी सभा किन आत्माओं की है, बाप दादा देख रहे हैं। हर एक हाईएस्ट रिचर्स्ट है। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्पा, पूरे कल्प में रिचेस्ट इन दी हम ब्राह्मण बच्चे। इस समय का जमा किया हुआ खजाना, ये अविनाशी खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, दुआओं का खजाना, बोल का खजाना, सारा समय का खजाना, किया हुआ खजाना, समय का खजाना, इस समय की कमाई ये खजाना, सारा कल्प साथ चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचर्स हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार होंगे। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा, गारंटी है ना, क्योंकि ये खजाना ऐसा है ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है, ना कोई डाकू लोग लूट सकते हैं, और ना ये खजाना गवर्नमेंट छापा डाल सकती है, अविनाशी है और सदा है। इसलिए ये खजाना ही हमारे साथ चलता है, बाकी सब इस संसार का जो मिट्टी है वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, कुछ भी साथ नहीं चलना। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा, गारंटी है ना, तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा। तो आज बाप दादा अपनी शाहन साके शाह राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं, एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो हिसाब निकालो, जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और बढ़ाने का साधन कितना सहज है, इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है कौन सा? सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना, तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना। और कोई मात्रा है ही नहीं, क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा, किसी की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया, कैसे करूं, क्या करूं, नहीं, ऐसे करो, ऐसे कर रहे हैं, तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो पता नहीं, ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, हम त्रिकालदर्शी बन गए तो क्यों, क्या, कैसे स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। संगम पर सारा खेल ही तीन बिंदियों का है, सबसे सहज बिंदी होती है या क्वेश्चन मार्क सहज है,
बिंदी सहज है ना, बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है। कई बार बिंदी की बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने से एक सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं? खजानों की लिस्ट तो जानते ही हो ना। आप बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो व लग जाती है तो सोचो, ज्ञान का खजाना गया, और कितना गया जरा सोचो। शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई। श्वास सफल की बजाय असफलता में गया, समय गया, कितना गया, लंबी लिस्ट हो गई ना। इतने सारे खजाने हमारे हैं, अगर बिंदी लगानी नहीं आई, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये सारे खजाने व्यर्थ के खाते में चले गए। तो बाप दादा कह रहे लिस्ट निकालिए, कितनी लंबी लिस्ट है। तो ये कभी नहीं सोचो कि एक दो सेकंड ही तो गया, लेकिन एक सेकंड में गवाया कितना, एक सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो, कमाया क्या और गवाया क्या, ये लिस्ट निकालो, चेकिंग करो। इन सभी खजानों में से कितनी खजाने गवाई, बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं? अमृत वेले मिलन भी मनाते हैं शिव बाबा से, रूढ़ियान भी करते हैं, वायदे भी बहुत अच्छे करते हैं कि ये करेंगे ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गंवा देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं? बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गंवाया, पूछें अपने आप से। व्यर्थ संकल्प चला तो ये खजाना हमारा व्यर्थ गया या जमा हुआ? तो फिर बातें क्या करते हैं? सिर्फ संकल्प में चलाना, वो तो ठीक हो जाएगा, संकल्प ठीक हो जाएगा, बाबा को ऐसे बोलते हैं, बाप को दिलासे दिलाते हैं ठीक हो जाएंगे ना, पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, हो जाएगा आदि आदि। तो बाप दादा कहते हैं ये गांव गांव के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भी कब तक? क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है? वर्षा अविनाशी चाहते हो, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा, और पुरुषार्थी में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा? तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा आदि आदि, ये सोचते हो। और प्राप्ति के समय, हाँ, प्राप्ति के समय गेंगे करेंगे, उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए, सभी क्या चाहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हैं ना, मालूम भी है। लक्ष्मी नारायण की भी आठ गदियाँ चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में ही उठाएंगे ना, ऐसे उठाते हैं ना।
तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है, हाँ हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे हाथ उठाते हैं, तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर वन पास विद ऑनर होना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश हो जाते हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता, हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वाले को जो हिम्मतें बच्चे मदद खुदा कहते हैं ना, बाप मदद करता है, हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो वैसे ये बोल और कर्म में लाओ, संकल्प को बोल में लाओ और कर्म में लाओ तो पास विद ऑनर बनेंगे ना। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व, जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते। समय पर उठना, अमृत वेले पूरे समय तक बाबा से रू ध्यान करना, समय पर क्लास में योग में आना, मुरली में समय पर आना, पूरे समय तक मुरली क्लास करना, हर कार्य के लिए बाप दादा ने दिनचर्या बना करके दी हुई है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। अगर उस दिनचर्या पर श्रीमत के अनुसार चलते हैं तो हमारा समय, संकल्प, बोल, एनर्जी, विशेषकर समय सेव होता है। तो समय का खजाना सबसे बड़ा खजाना है। अगर हमने एक एक सेकंड गंवा दिया तो बाबा कहते एक एक वर्ष की कमाई करने का समय गंवा दिया। ये समय ऐसा वैल्यूएबल है, अगर समय पर कार्य नहीं किया तो समय हमको धोखा दे देगा। जो हम फरिश्ता बनना चाहते हैं, संपन्नता के नज़दीक पहुंचना चाहते हैं, समय की वैल्यू नहीं रखी तो समय पर बन नहीं पाएंगे, और समय निकल गया तो सब खत्म। ये समय ऐसा है जो इसको हम पकड़ नहीं सकते। समय की फास्ट गति है, समय इतना फास्ट चलता है जो सुबह होती है शाम होती है और समय चला जाता है। जो समय की कदर करते हैं वो समय से पहले अपना पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि समय हमारी रचना है, हम रचयिता हैं। अगर समय पर भी किया तो क्या बड़ी बात, पर समय से पहले हमको जो बाबा चाहते हैं वो बनना है। तो इसलिए बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर वन पास विद ऑनर होना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश होते हैं। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता, हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वाले को मदद मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व, जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में ही दिखाई देगा। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने, फिर सोचने की आदत ना चाहते भी आकर्षित कर लेती है, और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट खाते में चला जाता है। पहले भी सुना है कि सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। एक घंटे के अंदर भी चेक करो तो जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव व शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती हैं। अगर हर बोल में शुभ भावना श्रेष्ठ भावना नहीं तो अवश्य माया की भावनाएं हैं, तो वे अनेक हैं, ईर्ष्या, हसद, घृणा आदि आदि। ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई होती हैं। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड
बाप दादा सुनते हैं, हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं। बाप दादा वो सुनते हैं सूक्ष्म वतन में बैठ के, हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हो मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, वह बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव शुभ भावना नहीं, वे किस खाते में जमा हो गई, वेस्ट हुआ ना। तो कमाई का खाता ज़्यादा होगा या गंवाने का खाता ज़्यादा होगा, ये तो गंवाया ना। तो बोल में भी गंवाने का खाता ज़्यादा होता है, जो बाप दादा ने चेक किया वो बता रहे हैं। तो बोल को भी चेक करो, ऐसे ही बोल दिया ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर सार नहीं तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर के श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म में शुरू करेंगे। पहले जन्म में नहीं जाओ, दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है नहीं पसंद है ना। तो इतना जमा का खाता है, अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे, उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप से प्राप्ति है। कौन से तीनों रूप? एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा वरदान के रूप में। वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद का, इनकम भी बेहद की और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? इतनी वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है वर्षे पर, पढ़ाई पर और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। सभी फकुर से कहते हो ना, बाप मेरा है, ये कहते हो कि क्या मेरा नहीं तेरा है, क्या कहते हो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, यही कहते हो ना। हमारे लिए ही तो बाप पढ़ाने आता है, ये समझते हो ना। तो पढ़ाई पर अधिकार है ना, और वरदाता के पास वरदान है ही किसके लिए? हर एक सोचता है मेरे लिए ही तो वरदाता बाप है, तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं, क्या है क्या और कहते क्या हैं। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। हैं तो ब्रह्मा कुमार है ही बाबा के, आदि आदि, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। प्रैक्टिकल लाइफ में सब बातें आनी चाहिए ना। जो भी खजाने हैं, वरदान हैं, ये प्रैक्टिकल रूप में वर्तमान में हमारे जीवन में हों। मन में वो संकल्प इमर्ज हों
कि मैं ये हूँ। बुद्धि में स्मृति स्वरूप हूँ और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, सारे दिन में इमर्ज हो जाता है, नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे तो जमा का खाता बढ़ाओ। तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करो तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है ना। अगर पानी ही पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दे तो क्या नहीं हो सकता है, और कितने में हो सकता है। तो समय प्रकृति और माया, समय प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ, वो विदाई लेकर जाएगी। माया भी देखती है, अभी ये तैयार नहीं है तो चांस ले लेती है। प्रकृति को ऑर्डर करें, पुरुष तैयार है प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें, ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो। शक्तियाँ बोलो, एवर रेडी हो, संपूर्ण हो गए। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना, ये सोचो, चेक करो। अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तकदीर देखो, नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना, ज्ञान दर्पण, उसमें देखो, ये सबके पास है ना आईना, क्लियर है ना। तो अपनी तकदीर की तस्वीर देखो, बाप को क्या टाइम लगेगा। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता। बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा, साथी तो चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं, सूक्ष्म वतन में बाबा हम साथी के साथियों के लिए रुका हुआ है। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, सभी जवाब दीजिएगा, सोच लीजिए। बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं, अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, डेट फिक्स करो, संपन्न बनने की अपनी डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो। इसका भी मुहूर्त होना है ना, ज्ञान सरोवर की डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है, इसकी डेट फिक्स है क्या संपन्न बनने की। ये किसको फिक्स करनी है, बाप को तो नहीं करनी है, ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करेंगे ना, कि सब बाप करेंगे। डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना है। अच्छा, नए नए बच्चों को देखते हुए देखो, आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है। पहले चांस आप सबको देते हैं, सब खुश राजी हैं। कितने पैर पृथ्वी मिली है, दो पैर या तीन पैर, दो पैर, तो पैर में भी दो पैर में भी राजी तो हो ना, तकलीफ तो नहीं है ना। खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना, मेले में ऐसी पालना और कोई की नहीं हो सकती। और मेले जो लगते हैं वहाँ पर ये पालना नहीं होती, मेले देखे तो है ना। ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसे परमात्म परिवार कहाँ मिलता है। सर्दी लगती है, मौसम की भी मिठाई तो होती है, तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है, मिठाई तो खानी चाहिए ना। सबको शॉलों की सौगात तो मिलती है ना, ओढ़ लो ठंड भाग जाएगी। कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है या खाली होकर आते हो।
और मेलों में थोड़ी ऐसे शॉल आदि मिलेगी। अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई, मधुबन देख लिया, पहले स्वप्न में था अभी साकार हो गया, कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है, क्यों सोचो। अभी 9 लाख जमा हुए हैं, पहले जन्म की संख्या ही तैयार हुई है, वो तो होनी ही है। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे, सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ, जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी, तो क्या करेंगे, जितना मिले उतने में राजी रहो। मेला भी करना है ना, तलैठी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है, तो ये अभी तो बन गया इतना बड़ा, इतने लोग ठहरते हैं, पर उस टाइम शांतिवन नहीं था, ज्ञान सरोवर बना था। तो ये सब आने नहीं है क्या, ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है, 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी, ये तो समझते हैं, हमको तो चांस मिला ही नहीं, हाँ मिलना ही नहीं है। इंतजार की घड़ियाँ भी प्यारी होती हैं, 1 साल के बाद जाना है तो ये इंतजार होता है ना, तो इंतजार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है, और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा, फिर अलबेलापन हो जाएगा, नहीं आएगा और आगे बढ़ेंगे। हाँ बाबा पूछ रहे हैं, आएगा अलबेलापन या नहीं आएगा और आगे बढ़ेंगे। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है वो बहुत ही फायदे वाली है। 1 साल में पक्के हो तो जाते हो ना, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते हैं, फिर युद्ध करनी पड़ती है। हर साल में आपके यहाँ मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं, अभी भी ये मेला क्या है, इंटरनेशनल है ना, सारे विश्व से आए हुए हैं ना, देश विदेश सब तरफ के हैं ना। दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक किया तो बहुत कर लिया, और मधुबन में कितने होते हैं पता पड़ता है, इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश, मज़ा आता है ना। लेकिन आना टर्न पर है, हर बार आ जाए किसी के भी टर्न पर आ जाए, नहीं अपने टर्न पर आना है। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना, आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे, सारे आबू के पहाड़ों को सोने का स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं। अच्छा, दादी जी से बाप दादा मिल रहे हैं, सब सहज चल रहा है ना, मेला चल रहा है या खेल चल रहा है, संतुष्टता का खेल चल रहा है, संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है और सब ठीक है। तलैटी में 2 टर्न का सोचा है, पहले लिस्ट देखो, पीछे 2 बारी भी होगा तो कोई बात नहीं, बाप बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करता है, बाप को आने में कोई तकलीफ नहीं है ना, चाहे मधुबन चाहे पांडुवन में आए चाहे तलैठी में आए, उनको आगे में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ बाबा को तो आने में कोई तकलीफ नहीं है, तो बाप दादा कहते मैं तो आऊँगा, बच्चों तकलीफ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती जब बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ नहीं है, मनोरंजन है। तो बाप को तो तन में ही आना है ना, बस संगम पर करना ही क्या है, मेला और खेल, खेल है खेल, हाँ सेवा भी एक खेल है, मेला मनाओ, सेवा का खेल करो, और क्या करना है, खाओ पियो, ब्रह्मा भोजन खाओ। अच्छा, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले,
तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा संकल्प, बोल, कर्म, श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा की बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है आज का बाबा शब्द की डायमंड की चाबी। डायमंड की द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भाव। जो परमात्म स्नेही बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं। वह शब्द है बाबा, वह शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। इस चाबी की चैन छल्ला है सदा सर्व संबंधों की स्मृति स्वरूप रहना, साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो। तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। स्लोगन, बीती को पास करके बाप दादा के पास रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। बीती को पास करके बाप दादा के पास अर्थात समीप रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिमान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो सर्व शक्तियों का महादान करें, दुखियों की पुकार सुने उपकार करें। महादान करें, दुखियों की पुकार सुने और उपकार सुने। आप सभी को आज थर्ड संडे है, शाम को 6:30 बजे सेवा केंद्र पर पहुंचना है। 6:30 से 7:30 तक मेडिटेशन करेंगे। आज का अव्यक्त इशारा, मनसा व्रतियों से वायुमंडल की मनसा व्रतियों से वायुमंडल का परिवर्तन करने के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं वही मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। ओम शांति।